और हमारा एक ही डिमांड है कि जस्टिस मिलना चाहिए. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. और वी हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, हाई लेवल इंक्वायरी हो, और एक टाइम के अंदर, ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, एक टाइम के अंदर इस इंक्वायरी का रिपोर्ट पब्लिक होना चाहिए, और जो अपराधी ने हमारे दो TSR जवान को मारा है उनके अगेंस्ट कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए. और नॉट ओनली दैट, जो लोग यहाँ में, जहाँ में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उसके अंदर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए, और CCTV कैमरा में फुटेज है तो वो भी उसको जांच करना चाहिए. और फैमिली को अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ये बहुत गलत बात है. अभी तक फैमिली डेथ सर्टिफिकेट के लिए इधर से उधर घूम रहा है.
कोई बोल रहा है पंचायत में जाओ, कोई बोल रहा है हॉस्पिटल में जाओ, ये गलत बात है। हैरेसमेंट, जिसका फैमिली में किसी का देहांत हो उनको हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ ठीक करने के लिए हम गवर्नमेंट से भी बात करेंगे और TTAADC की तरफ से हमने अभी ये हमारे TSR जवान के फैमिलीज को 2-2 लाख का हम लोग ने इन सॉलिडारिटी, ये हम लोग के अंदर नहीं आता है, हम लोग के डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता है, तभी भी एकता थानसा दिखाने के लिए, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हम लोग ने 2 लाख रुपये दिया है इनके फैमिली को। और श्राद्ध के समय भी हम लोग हेल्प करेंगे और जब अस्थि भी हरिद्वार ले जाना हो या ऋषिकेश या अलाहाबाद ले जाना हो तो मैं भी खुद इनके संग जाऊंगा। ये हम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कर रहे, पर्सनल लेवल से कर रहे हैं। और इवेंचुअली एक बात तो क्लियर है कि सुकांता दास ने जिसने ये क्राइम किया है उसके अगेंस्ट कानून में सबसे कड़ा कानून जो है उसके उसमें उसके धारा में उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को इसी लाइन में चलना चाहिए। ये हमारा क्लियर डिमांड है, हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहते। इसमें अन्याय हुआ है और अन्याय को अगर न्याय देना है तो गवर्नमेंट को सबके साथ फेयर होना चाहिए, टिपरासा हो या नॉन टिपरासा हो। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी एक पूरा त्रिपुरा का जो लोग बोलते हैं उसी लाइन में 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देकर न्याय हम लोग को दे, वरना हम लोग अपना रास्ता खुद निकालेंगे।